खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर जौनपुर जिले के मड़ियाहू बाजार से। शनिवार का शाम पटाखा बनाते समय हुआ बड़ा हादसा। मकान में विस्फोट होने के कारण 2 बच्चे समेत 6 लोग झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। उपचार तो चल रहा है, लेकिन झुलसे लोगों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार तहसील मड़ियाहू स्थित कोतवाली क्षेत्र के भंडरिया टोला पाही में एक मकान में पटाखे बनाने का काम चल रहा था, जिसमें अचानक विस्फोट होने से मकान की दीवार ही भरभरा कर गिर गई। पटाखा बना रहे 2 बच्चे समेत 6 लोग परिवार के गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य करते हुए सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर उप जिला अधिकारी अर्चना ओझा सहित CO और थाने की फोर्स मौजूद रही। 5 लोग। नाम क्या आपका? मेरा नाम रहमत अली। अच्छा बताइए, जो घटना स्थल पर उस समय आप थे जब ये हुआ, तो 5 बच्चे कितने आपने निकाले रेस्क्यू करके? 2 बच्चे निकाले हैं और दो रूप से कोई बचने की उम्मीद भी नहीं है। अच्छा, इतना सीरियस है हम लोग? अच्छा, महिला है वो भी एकदम सीरियस ही है। अच्छा, किसका मकनवा था ये? ये मुश्ताक नाम का आदमी, मुश्ताक उनका। तो यहाँ पटाखा बना ये बेचते थे? बेचते थे, क्या करते थे? अच्छा, नहीं मालूम। अच्छा, पटाखा है तो बेचते ही होंगे। अच्छा जी जी जी, तो पूरा ये फैक्ट्री था पूरा पटाखे का। चलिए, तीसरा नाम बताइए अपना, शुभ नाम फिर से। रहमत अली। रहमत अली, वैसे लोग आर्यन के नाम से जानते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा काम आपने, कम 4-5 लोग रेस्क्यू आपने किया। पटाखा बनाया जाता था दिवाली के मौके पर, और भरी एकदम घनी आबादी के बीच में ये समझ में नहीं आता प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर परमिशन दे रखा है। ऐसे आबादी के बीच में इस तरह का काम हुआ, बहुत बड़ी घटना घटी है, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं उसमें परिवार के। देखना ये है कि उसमें कितने अब अंदर दबे हुए हैं, अभी तो राहत का काम चल रहा है। नहीं सर, हमको जैसे पता चला कि 2 बच्चे समेत 5 लोग जो है बड़ी बुरी तरह से जले हुए हैं, और यहाँ के सूत्रों से पता चला कुछ लोग अभी अंदर दबे भी हुए हैं जी। तो क्या प्रशासन अपना कार्य बखूबी कर रही है? नहीं, प्रशासन है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, प्रशासन है, CO साहब, कोतवाल साहब, सारे पुलिस महकमा यहाँ पर है। अब अंदर मलबा है क्योंकि पटाखा है, हिम्मत किसी की नहीं हो रही कि अंदर घुस के उस मलबे को हटाया जाए और देखा जाए कि कितने लोग उसमें दबे हुए हैं। उनके परिवार द्वारा ये सूचना इकट्ठा की जा रही है कि क्या कोई कस्बा मड़ियाहू के भंडारी टोला में एक इम्तियाज सनाब बाबू खां के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है। इसने पटाखे बेचने के लिए कुछ पटाखे ला के अपने घर पर रख दिया था। उस पर इसका बड़ा भाई मुश्ताक गैस में कुछ लेही वगैरह बना रहा था, वो कहीं लापरवाही से आग पटाखे तक पहुंच गई, पटाखों में विस्फोट शुरू हो गया। विस्फोट की आवाज़ सुनते घर के 30-35 लोग इस घर पर रहते हैं, सभी लोग बाहर निकल गए। उसमें 2 व्यक्ति इंजर्ड हो गए हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए हुए हैं, मुश्ताक और उसकी बहू है गुड़िया, और बाकी 2 छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत नॉर्मल इंजरी आई है। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, इसके मकान की छत गिर गई है, अगल बगल के मकान भी सुरक्षित हैं, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई इसमें, 2 इंजर्ड है। सर, ये इतनी घनी आबादी में क्या पटाखे का गोडाउन होना क्या प्रशासन के संज्ञान में था? नहीं, एक्चुअल लाइसेंस ही है, ये चेकिंग की भी जाती रही, लेकिन ये अभी इसने बताया कल ही लाया है, कल पटाखे खरीद के लाया है, और उसके बाद इसको जो है जहाँ पर जगह निर्धारित हुई वहाँ अपना ही सेटल करता उसमें। अच्छा सर, मतलब ये शिफ्ट करने वाले थे यहाँ से, कल ही लाए हैं? हाँ, कल ही लाए हैं। मतलब प्रशासन को जानकारी थी कि ये गोडाउन करते हैं? नहीं, गोडाउन की जानकारी नहीं है, गोडाउन नहीं करते हैं, पटाखे ला के बेचते हैं बाहर से ला के, यहाँ कोई पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं, कल बेचने का है, ये थोड़ा पहले रखते थे पहले ले आया। क्या कोई अभी भी मलबे में दबा हुआ है? नहीं, अब उनके घर वालों से बात हुई, अब घर में कोई है नहीं, और पूरा तलाश भी कर लिया गया, कोई अंदर मलबे नहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक प्राथमिक सूचना मिली है अभी भी कि भंडरिया टोला थाना मड़ियाहू क्षेत्र का मामला है कि वहां पटाखा बिक्रय हो रहा था, उसमें पटाखे में विस्फोट होने की वजह से 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज हेतु तत्काल रवाना किया गया है हॉस्पिटल में, डॉक्टर द्वारा उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मौके पर CO, SDM और सारी टीमें वहां पर मौजूद है, अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है।